सो हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। फाइनली कैप्रॉन वन का जो अलॉटमेंट है वो डिक्लेयर हो चुका है ऑफिशियली। वेबसाइट पे जाके जो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। fe2020.mahacity.org पे जाके बस आपको एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है। एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको जो है वहाँ पे थ्री लाइन देखने को मिलेंगे। वो थ्री लाइन्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक न्यू ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, चेक फर्स्ट अलॉटमेंट स्टेटस। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी सीट अलॉट होगी वो आपको शो हो जाएगी। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आपको जो है ना ही फ्रीज के लिए अप्लाई करना है, ना ही आपको बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है। अभी आपको जो है फ्रीज करने से पहले, बेटरमेंट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको समझनी होगी। इसके लिए जो है मैं बहुत ही जल्द ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करने वाला हूं, एंड आपको कैसे फ्रीज के लिए अप्लाई करना है, कैसे बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है, ये सारी चीजें जो है उस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी बस आपको जो है आपका फर्स्ट अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है, एंड कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बताना है कि आपको जो है कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको कौन सी ब्रांच जो है अलॉट हुई है। कैप्राउंड 2 के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको जो है 1000 रुपीज फीस जो है पे करके कैप्राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए जो है बहुत जल्द मैं ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करने वाला हूं। उसके लिए बस आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपको बहुत जल्द जो है वीडियो मिल जाएगा। बस कमेंट सेक्शन में जो आप अपना फर्स्ट अलॉटमेंट जो भी मिला है, आपको जो भी कॉलेज मिला है, एंड जो भी ब्रांच आपको मिली है, वो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर मेंशन करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।